आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। नमस्कार, उज्जवल भारत समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भाईंदरिस्ट के ओसवाल बगीचा में हूँ, जहाँ पे इसके पहले हमने आपको न्यूज़ दिखाया था कि 24 दिसंबर के दिन नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के भाईंदर ब्रांच के द्वारा यहाँ पे, आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, दिव्यांग जाँच चयन एवं नारायण लिम्ब व कैलिपर्स माप शिविर का आयोजन किया जाएगा और वो 24 तारीख आज है। और आज के दिन कम से कम 100-150 लोग, खबर उन तक मिली, और सारे दिव्यांग भाई जिनको हाथ चाहिए, जिनके पांव नहीं है, उनको उस तरीके से यहाँ पे उदयपुर की तरफ से जो डॉक्टर आए हुए हैं वो माप ले रहे हैं। माप लेने के बाद फिर एक महीने बाद, एक सवा महीने बाद उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनको अंग वितरित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में नयाब जो काम है नारायण सेवा संस्थान के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं सुनवाऊँगा कि अचीवमेंट क्या है नारायण सेवा संस्थान का। लोग काम तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन ये सेवा एक अलग ही सेवा है कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का, जो उम्मीद छोड़ चुके हैं, हाथ नहीं पाओ, उनको हाथ पाओ लगा के उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश नारायण सेवा संस्थान कर रही है। यहाँ पे हमारे जो मीरा भाईंदर MLA गीता जैन आई, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता यहाँ पे आए, और जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, वह यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी भाइयों को। आइए हम बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से और जो गेस्ट आए हैं उनसे। हमारे साथ किशोर जी हैं, जो कि नारायण सेवा संस्थान में शुरू के दिनों से ही जुड़े हैं यहाँ के। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि हर साल आप लोग करते हैं, नारायण सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से कर रही है, क्या कहेंगे? नारायण सेवा संस्था जो उदयपुर राजस्थान से बिलोंग है, मतलब हमारी जो मेन संस्था है उदयपुर राजस्थान में है, बहुत बड़ी। यहाँ पे हमारी शाखा है मीरा भाईंदर में, जो फिजियोथेरेपिस्ट है। यहाँ पे 365 डे फिजियोथेरेपी जो निःशुल्क की जाती है, और हम हर साल में दो कैंप रखते हैं, जैसे दिव्यांग है, किसी का पोलियो है, किसी को छोटे बच्चों का जो चल नहीं सकते उनका ऑपरेशन का है, पूरा निःशुल्क यहाँ पर हम लोग कैंप रखते हैं। उसमें आज भी हम लोगों ने जो कैंप रखा है 24 तारीख का, तो उसमें कम से कम 100 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 100 पेशेंट हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आए, उनका पूरा आज डॉक्टर की टीम यहाँ जांच करेगी। जांच करने के बाद उनको कैलिपर की अगर ज़रूरत होगी तो कैलिपर देंगे, किसी को ऑपरेशन की अगर ज़रूरत होगी तो उनको उदयपुर के लिए रेफरेंस करेंगे हम लोग। और बहुत सी संस्थाएँ हमसे जुड़ी है, हमारे साथ में हमारे कमल जी हैं जो हमारे शाखा के मैन हैं, तो इनसे भी आप जरा कुछ जानिए। हाँ जी सर, कमल जी आप क्या कहेंगे? रवि जी, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आप पत्रकार होने के साथ साथ एक हमारे नारायण सेवा संस्था के कार्यकर्ता भी हैं, तो उसके लिए बहुत ये अच्छी बात है। और रही बात संस्था ने, तो सर इतना कुछ हम लोगों को दिया है, हमको एक मानवता के रास्ते पर चलना सिखाया है, करोड़ों लोगों को इससे मतलब जानकारी के माध्यम से फ़ायदा हो रहा है। लगभग 4 लाख से ऊपर ऑपरेशन हो गए हैं उनके, और कैलिपर अभी आने वाले समय में क्या है सर, अभी तो जैसे नाप लेते हैं मैनुअली, तो आने वाले समय में हम अमेरिका से जो मशीन मंगाई है उसके माध्यम से तुरंत स्कैन होगा, उसकी रिपोर्ट तुरंत, जो टाइम लगता है वो, हाँ वो बच जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा कि तुरंत स्कैन हो गया और परफेक्ट, अभी तो मैनुअल में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, तो उसमें स्कैन होगा और तुरंत उसकी उदयपुर रिपोर्ट चली जाएगी, और विद इन 2 दिन के अंदर ये मतलब आपका पैर बन जाएगा। तो और बड़े शहरों में के अंदर पूरी अभी टीम जाएगी, तुरंत उनको पैर दे देंगे, ऐसा प्रकल्प चल रहा है। तो इस तरीके से हर जगह, क्योंकि
उज्जवल भारत समाचार के पास भी फ़ोन आता है, क्योंकि हम न्यूज़ बनाते हैं तो फ़ोन आता है यूपी बिहार से कि हमें पैर नहीं है, और मैं कमल जी का ही नंबर देता हूँ, मनीष भाई का नंबर देता हूँ। सर आप क्या कहेंगे? सर जी आपके जैसे फ़ोन आते हैं तो उनको सबसे पहले तो आप उदयपुर का रेफ़र कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिटी में तो सब संस्था कैंप करती है, जैसे यूपी में भी कैंप हुए, अभी थोड़े मेरठ में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था, ऐसे अलग अलग शहरों में होते रहते, पर उनको अर्जेंट किसी को सेवा चाहिए तो उदयपुर रेफ़र कीजिए, ताकि वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, और दिव्यांग भाई को वहाँ पर रहना खाना पीना सब फ्री है, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। और आपके माध्यम से मैं उज्जवल भारत के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जन जन तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि दिव्यांग भाई कोई भी हो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, जहाँ तक हो सका हम यहाँ के आपकी सहायता करेंगे, हमसे नहीं हुआ तो हम आपको उदयपुर रेफ़र करेंगे, आपका कोई भी कार्य निःशुल्क होगा। मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ उज्जवल भारत की टीम का, जो हमें हमेशा कवर करती है इस कार्यक्रम को लेकर, और जन जन तक आपका हमारा प्रोग्राम पहुँचाती हैं, जिससे आप लोग की सेवा में हम सभी तत्पर रह सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद। देखिए नारायण सेवा संस्थान समय समय पे दिव्यांग जांच और कृत्रिम अंगों के नाप शिविर का आयोजन करता रहता है, और नारायण सेवा संस्थान काफ़ी समय से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम हाथ पांव बनाकर देता है निःशुल्क, और संस्थान तकरीबन 39 ईयर से भी पुराना है, 1985 के आसपास संस्थान की शुरुआत हुई थी, तब से ही संस्थान जन्मजात पोलियो विकलांग बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। और अभी ये जो जांच शिविर चल रहा है ओसवाल बगीची भयंदर में, इसमें तकरीबन 100 से अबव पेशेंट हमारे पास आ गए हैं, जो अंग विहीन है या जिनका दुर्घटना में किसी वजह से पांव चला गया है या बीमारी की वजह से अंग विहीन हो गए हैं, उनके लिए संस्थान परिवार अभी जो है माप शिविर का आयोजन कर रहा है, उनकी माप के आधार पर उन्हें निःशुल्क हाथ कृत्रिम हाथ पाँव बना के संस्थान प्रोवाइड करेगा। नमस्कार, मैं तो बस यही कहूँगी कि आज नारायण सेवा संस्था की वजह से आज हम सब मानव सेवा कर पा रहे हैं, और कितने दिव्यांग भाई बहन की हम हाथ पैर लगते हुए देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो अपने आप अपने हाथ पैरों से काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, और आज उनको नई ज़िंदगी मिल रही है। और नारायण सेवा संस्था के बारे में तो सभी जानते होंगे, ये इसकी स्थापना 85 में हुई थी, और नारायण सेवा संस्था की 2006 में इसको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था, और अभी फ़िलहाल में ही 5 दिसंबर को प्रशांत भैया जी को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम सब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही लगता है कि जैसे कि इस संस्था को जितना ज़्यादा हम प्रचार कर सकें, जितना ज़्यादा फैला सकें जितने लोगों तक, तो इस कैंप के द्वारा जितने आज 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आज 100 लोगों के आंखों में खुशियां देखकर हम इतने फूले नहीं समा रहे हैं कि पूछो। जैसे कि आज ये नारायण सेवा संस्थान का आज शिविर लगाया हमने माप का, इसमें करीबन अभी तक 125 लोग आए हैं, उनमें से करीबन 72 लोगों का अभी तक 72 लोगों का रजिस्ट्रेशन होकर उनका चेकअप हो चुका है, और भी लोग आ रहे हैं। ये कैंप हमारा करीबन 4:30-5 बजे के आसपास तक चलेगा, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि आज ये संख्या 150 के आसपास पहुंचेगी, और ये आज माप लेने के बाद में 1 महीने बाद में वापस ऐसा ही कैंप हम दोबारा लगाएंगे, जब सभी दिव्यांग भाइयों को तो उनके हाथ और पैर उनके माप के हिसाब से उनको लगाए जाएंगे। मैं एक सेवा का फिर से मुझे एक मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह पिछली बार आपने हमारी कार्यप्रणाली, हमारी मीटिंग को कवर किया था, हमने आपको बताया था कि सेवा क्या, नारायण सेवा क्या काम करते हैं, और उसी का आज जो नज़ारा है कि आज जितने लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे आए हैं, आज 75 तक अभी तक रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी रजिस्ट्रेशन के अभी भी रश नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। समय सीमा हमारी 4 बजे तक हम कहते हैं, पर उसके बाद भी हमारे को 8-9 बज जाता है, क्योंकि रजिस्टर 4 बजे के बाद हम लोग बंद कर देते हैं, पर हमारे बचे हुए जितने भी सेवा के दूर दूर से आते हैं, पूरे महाराष्ट्र भर से आते हैं, तो उनकी सेवा के लिए हमारा केंद्र रात को 8-9-10 बज जाए, हमने कभी सेवा बंद नहीं किएगी, इसी तरह हमारा काम चलता है। और इसी का भव्य नज़ारा जो एक और अलग खुशी देगा, ये आज एक विश्वास पात्र का नज़ारा है हमारे सामने, कि इतने लोगों ने विश्वास दिखाया नारायण सेवा पर और यहाँ पर आए हैं, और यही एक हमारी जो एक फाइनल जो रहता है, एक सपोर्ट जो रहता है लोगों को, वो अगले कैंप में हमारे मिलेंगे। और मैं उज्ज्वल
उज्जवल भारत का और रवि सर आपका मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूंगी कि जिस तरह आपने हमारी लास्ट मीटिंग में हमारे को कवर किया, आपने हमारी योजना जो है सेवा का जन प्रतिनिधि बन के लोगों तक पहुंचाया, आपकी मीडिया के माध्यम से, उज्जवल भारत के माध्यम से आपका मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने इसका लाभ लिया। जैसे लास्ट वीक का यदि हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं और अभी इधर का, तो हमें 40-50% रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी मिली है, और इसका मैं शेयर ये ज़रूर आप मीडिया को दूंगी, क्योंकि ये मीडिया ऐसा है कि लोगों तक फास्ट खबर तक जाती है, जो यहाँ पे बैठ के भी पूरे भारतवर्ष तक इसकी खबर जो देखते हैं, और जितने लोग यहाँ पे आ पाए हैं, मैंने अभी सुना चिपलून से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि इस कैंप का लाभ जो इतनी दूर से ले रहे हैं। मैं नतमस्तक हूँ, हमारी पूरी टीम नतमस्तक है नारायण सेवा के इनके प्रति, प्रशांत भैया के प्रति जिन्होंने इनकी स्थापना की, उनके पिता के प्रति श्री ओसवाल जी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि जिन्होंने ये एक सेवा के लिए स्थान दिया है, और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जितने भी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारायण सेवा पे और हम सब सेवकों पे एक विश्वास जताया। धन्यवाद। पिछले 3-4 साल से मैं संसद से जुड़ा हूँ, और हर टाइम में जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं इधर उपस्थित रहता हूँ और अपनी सेवा देने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। नारायण सेवा संस्थान द्वारा ये जो दिव्यांग जनों को उनको उपकरण और सेवा और सहायता दी जा रही है, पिछले कई सालों से मैं देखता हूँ कि कार्यक्रम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी सेवा है जो ये दिव्यांगों की सेवा है, जो इनकी नारायण की सेवा है, नारायण है, और नारायण की जो सेवा असली यही जन सेवा है, ईश्वर सेवा है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर इनको शक्ति दे, इनकी ये सेवा का काम हमेशा चलते रहे, और इस सेवा में जो आपका सहयोग रहता है वो भी बहुत ही सराहनीय है। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। नारायण सेवा संस्था की सभी सदस्यों को, सभी मैं जो पद पे अधिकारी हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, जो इतना अच्छा कार्य करते, मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ मीरा भाईंदर में इतने अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, और सही में ये बहुत ज़रूरत है जो यहाँ पे जो आ रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी इनको ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो इनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आज जो नारायण सेवा संस्था संघ ने दिव्यांग लोगों के लिए जो अपने जो मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका दिल से अनुमोदना करता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि विश्व में ऐसा कोई कार्य कोई ये संस्था छोड़ के कोई कर रहा होगा। मैं दिल से इनके अनुमोदना करता हूँ, और इनको ऐसे कार्य करने के लिए मेरी तरफ से जितना भी सहयोग हो सके उतना मैं करने को तैयार हूँ। ऐसे नारायण सेवा संस्था को दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नारायण संस्था सेवा संघ, इनको आगे प्रगति होते रहे, ऐसे भगवान से शुभकामना। तरीके का जो नारायण सेवा संस्थान के द्वारा काम हो रहा है उसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग आ रहे हैं, और हमारे साथ हैं तेरा पंथ युवक समिति के पूरी टीम आई है और ऐसे कार्यक्रम में आके अपना भागीदारी दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? आराध्य देव के श्री चरणों में भाव बरेंदना। मैं सर्वप्रथम नारायण सेवा संस्था को बहुत बहुत खूब धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। ये इतने साल से जो ये कार्य कर रहे हैं अपंग लोगों को, जो पैरों की जिनके पास पैर नहीं है उनको पैर उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसी संस्था को मैं बहुत बहुत खूब धन्यवाद देता हूँ। हम तेरापंथ योग परिषद भाईंदर से आज आए हैं, हमने ये कार्य देखा, हमें बहुत मतलब प्रसन्न कार्य लगा। हम यहाँ की पूरी टीम और जो संस्था के कमल जी है, हमको उनका इन्विटेशन है, उनको खूब खूब धन्यवाद। किशोर जी, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ओम अरव। ये रवि जी, नारायण सेवा संस्थान जो है ये विगत 40 वर्षों से लगातार विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस तरह की जो संस्थाएं होती है समाज में दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा और मोटिवेशन का काम करती है। मैं इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज भी हमारे डिजिटल समाज में काफ़ी लोग हैं जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब हैं, शायद विरार में, नागांव में, तो वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि हम वापस चल नहीं सकते। तो मैं इसीलिए आप सबको कहूँगा कि आप अपने तैयार हो जाए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, किसों की एक टीम एवरीबडी मन बढ़ जाता है, किसी ने कहा कि सर आप ले रहे हैं, आप गरीब भी हैं, आप होता क्या है हमारे लिए समाज से बोलोगे, कोई नेता आता है तो उसको सॉल्व हो जाओ, मुझे पसंद नहीं थी जब भी किशोर जी का व्हाट्सएप देखता हूँ
स्वार्थ लोगों को भी प्रणाम करना चाहूँगी कि वो हर साल इतना सुंदर कैंप लगाते हैं। जो कमी भगवान ने हमारे दिव्यांगों को दी है वो कमी पूर्ण करने का ये जो उत्तम प्रयास ये संस्था कर रही है, जितना उनका अनुमोदना जितनी उनकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। श्री नारायण सेवा संस्था का हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते, उनके संचालक, उनके कमिटी मेंबर, टीम मेंबर, वॉलंटियर का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कई वर्षों से निःशुल्क सेवा दे रहे और सेवा भी बहुत बड़ी दे रहे। आम आदमी के लिए फुटवेयर खरीदना ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है, पैसे का प्रभाव कहाँ मिलेगा, बराबर बनेगा नहीं मिलेगा क्वालिटी वाइज। ये नारायण सेवा संस्था गए कई वर्षों से ये सेवा देते आ रही है निःशुल्क, तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे भाई आए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ जो अपने पैरों का मेजरमेंट दे रहे और जल्द से जल्द इन्हें फूट मिले ताकि वो हमारे साथ दौड़ सके कॉमन आदमी की तरह। और ये मानवता का बहुत बड़ा एक कार्य नारायण सेवा संस्था के माध्यम से हो रहा है। और आज इस बात की भी खुशी है कि हमारे मित्रा जो हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय कांतिलाल बाबिल जी, इनकी याद में, क्योंकि वो यहाँ के सलाहकार भी थे और उनकी याद में आज का दिन निमित्त ये सबको फुट वितरण किया जा रहा है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। सर, यहाँ पे जो मुंबई के इंचार्ज है आपसे आज कुछ डिमांड किया, क्योंकि आपसे लोग उम्मीद रहते हैं कि एक जगह चाहिए, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, अच्छे काम के लिए हम जहाँ काम आ सकते काम आना ही चाहिए। ये काम करने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। काम, कुछ काम वोटों के लिए होते, कुछ काम जो है इंसानियत के लिए होते, और कुछ काम जो होता है कि होता ना अपनी आत्मा को समाधान मिलता है। ये कार्य वैसे अगर ये काम में कर पाया तो ये किसी राजनीति या किसी महत्व के लिए नहीं, इसका जो सुकून है उसकी खुशबू अलग है, उसकी मिठास अलग है। तो ऐसे कार्य में अगर निमित्त बन पाया तो ये सौभाग्य की बात है और मुझे विश्वास है कि हमारी बॉडी फिर से आएगी और इनको मैं लंबे समय तक 8-9 साल के लिए कोई जगह मिले वो मैं अवश्य प्रावधान करके दूँगा। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे एक बड़े भाई हैं, वो आए हैं इस संस्था के द्वारा जो भी आज कैलिपर्स का जो जांच हो रहा है। आप कहाँ से आए? मैं भाईंदर से आया हूँ। भाईंदर से क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है और आपको कैसे खबर मिली कि आप यहाँ पे आए? जी, एक दोस्त से खबर मिली कि यहाँ ऐसा ऐसा कैंप चल रहा है, तो दूसरे एक मेरे दोस्त है जिनका पैर मेरे जैसा ही कटा हुआ है, तो हम लोग दोनों ने तय किया और उन्होंने अपनी सब डिटेल निकाल के हम लोग फिर रिक्शा से यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ देखा मैंने सभी लोग लगे हुए हैं और अपने हिसाब से सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और लोग जो हैं यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे। बोरीवली, बोरीवली कैसे आपको पता चला और क्या कहेंगे संस्था? संस्था जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है, इसी तरह करती रहे और हर एरिया के अंदर करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई बोरीवली बॉम्बे से इधर तक नहीं पहुँच पाता है,
ताकि हर एक को ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ईसाई सेवा बोरीवली गोरेगांव बॉम्बे के अंदर नारायण सेवा काम करे, ऐसी सेवा करे, ऐसी मैं उनसे विनंती चाहता हूँ। ये अच्छी बात है। और हमारे साथ है साथी फाउंडेशन के सर, आप हमेशा रहते हैं नारायण सेवा संस्थान में, आप हैं सरिता नायक जी, क्या कहेंगे आज? ये हर साल के तरीके से इस साल भी दिव्यांगों का कृत्रिम अंग का माप लिया जा रहा है, और ठीक एक महीने बाद इन्हीं माप से लिया हुआ जो भी अंग तैयार होता है, चाहे उनका हाथ हो पैर हो, और उनको एक महीने बाद ऐसे ही एक कैंप में इनको फिटिंग करके उनको चला के अच्छी तरह से चला के दिखाया जाता है। साथ ही साथ जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं, महाराष्ट्र लेवल पे ये प्रोग्राम अनाउंस होता है, तो जो लोग दूर से आते हैं उनके खाने पीने नाश्ते का भी प्रबंध यहाँ पे होता है, और ये हर साल में एक प्रोग्राम भाईंदर में हो रहा है। कमेटी की मंशा है कि साल में ऐसे दो प्रोग्राम हो और लोगों को पता चले कि इस तरह के कृत्रिम अंग का माप और अंग वितरण यहाँ पे होता है। चलिए, सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पे नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की भाईंदर ब्रांच के द्वारा हर साल ये कार्यक्रम होता है। आज तो माप लिया जा रहा है, उदयपुर से डॉक्टर्स आए हैं, और ठीक एक महीने बाद जब उनके अंग बन जाएंगे कृत्रिम, उनको फिर से यहाँ पे बुलाया जाएगा और उन्हें अंग वितरित किया जाएगा। सबसे खास बात कि जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए नाश्ता खाना सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है संस्था की तरफ से, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आज लगभग 100-125 इसके पहले हम जब भी आते हो 150-200 के करीब लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर, सिर्फ भाईंदर मीरा भाईंदर से नहीं, मुंबई के अलग अलग जगहों से यहाँ आते हैं। और क्या महाराष्ट्र, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये सिर्फ मीरा भाईंदर के नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। इवन हमारे चैनल को फ़ोन बिहार से आता है, यूपी से आता है, उन लोगों को भी उदयपुर भेजा जाता है जो भाईंदर ब्रांच नारायण सेवा संस्थान के इनके सदस्यों के द्वारा, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के चेहरे पे एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, और उन्हें जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है संस्था। नमन है ऐसे संस्था को जिस जो इस तरीके काम करती है। मीरा भाईंदर के जो भी ब्रांच के सदस्य हैं उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि इस तरह के काम हमेशा करते रहे, और उज्जवल भारत समाचार हर पल इस तरीके का खबर आप लोग तक पहुंचाते रहे और आप लोग इसका लाभ लेते रहे। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत समाचार के लिए उसवाल बगीचा भाईंदर ईस्ट से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर दीजिए। इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।